Thank you.
कलयुग के देव बाबा श्याम के दरबार में हम सारे हाजिर हैं। ये मेरा अपना विचार है कि यूं तो सारे दरबार बहुत ही पावन हैं, सबकी अपनी अपनी महिमा है, अपनी अपनी शोभा है, पर श्याम का दरबार श्याम रंगीले तो इनके भक्त भी रंगीले। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे राम कहो या श्याम, कोई भेद नहीं। काफी देर से आप सारे बाबा के चरणों से जुड़े हुए हो, बड़े प्रेम से बैठे, क्योंकि ये समय इनकी कृपा से नसीब मिला है हम लोगों को। दुनिया के कार्य व्यवहार करते हुए, पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालते हुए, अगर कुछ क्षण भी हमने इनके चरणों से लौ लगा ली तो बेड़ा पार होने की संभावना है। वैसे सर, कोई तन से उदास, कोई मन से उदास, कोई धन से उदास, पर सबसे ज्यादा सुखी जो है श्री श्याम का दास। जरा अपने मन को टिकाएं। मैं फिर प्रार्थना करूं कि ऐसा समय, रुक जा यार, हेलो, अभी तो बैठो, ऐसा समय बार बार नहीं आता, और ये मुकद्दर से किस्मत से हमें मिला है, बाबा श्याम ने दिया है। ये फोटो वगैरह बाद में खींचना, पहले मुख को पावन करें। सारे हाथ ऊपर, बोलिए प्रेम से, एक मिनट, हाथ नीचे, पहले सुन लीजिए श्याम की महिमा। जो जन श्याम का नाम पुकारे, उसकी कुल मेरा श्याम जितारे। श्याम नाम की महिमा कलयुग में, जो जन श्याम का नाम पुकारे उसकी कुल मेरा श्याम जितारे। केवल उसको ही नहीं, उसके कुल को भी। जो जन श्याम 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 है जपता, मेरा बाबा उसके पर्दे ढकता। जो जन श्याम 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 बोले, मेरा श्याम उसको भारी तोले। और जो जन श्याम 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 है रटता, इहलोक परलोक उसकी श्याम है रखता। ये श्याम नाम की महिमा है। अब उठाएं हाथ, फोटो बाद में, पहले उधर मैं भी बाबा को देखूं, आप भी देखो, सारे गाइए।